अब दोस्तों आज जो है एडिशनल डीजी एचआर सिंह जो कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन पंजाब भवन से और पैरामिलिट्री परिवारों को एक संदेश देंगे। जी जय हिंद सर, आप जी बताएं। मेरे प्यारे पैरामिलिट्री साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझे बहुत खुशी है कि अभी हाल ही में हम लोग 17 अप्रैल 2023 को वार्ब के चेयरमैन डॉक्टर एसएल थाउसन जो सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी हैं उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और बहुत सारे कल्याणकारी मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें पूरे भारतवर्ष से सभी फोर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वार्ब के चेयरमैन ने उस पर बहुत सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा जो हमारे फॉलोवर रैंक के स्टाफ को दिया, अगले ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो फर्स्ट कैडर व्यू प्रपोजल था फॉलोवर रैंक का, उसमें अपने फॉलोवर रैंक के जो ग्रुप सी एम्प्लॉयज थे उनको भी हवलदार पद का तोहफा दिया। तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी जी। और जितने भी बाकी कल्याणकारी मुद्दे हैं मुझे आशा है कि ये सब एक एक करके हल होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बार भारतवर्ष में हमारी कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ग्वालियर में 22 मई 2023 को जो कि श्री के एफ रुस्तम जी का जन्मदिन है उसको मनाने जा रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कन्फेडरेशन किसी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के जन्मदिन को मनाए। तो मेरी सबसे अपील है सभी पैरामिलिट्री सदस्यों से, हर रैंक से और सभी परिवारों से अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, अभी से रिजर्वेशन करा लें। ग्वालियर कोई ज़्यादा दूर नहीं है और 22 मई को ग्वालियर इस कार्यक्रम में आकर अपनी सॉलिडरिटी और अपनी इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। तो मेरी ओर से मैं चाहता हूं कि सभी पैरामिलिट्री परिवार खुशहाल रहें और अपना अच्छा स्वास्थ्य रखें, अच्छे विचार रखें, अनुशासन में रहें और अच्छी सोच के साथ अपना दिन व्यतीत करते रहें। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। थैंक यू सर।